सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम स्वर का आखिरी जो हमारा स्वर है वो है कमल मात्रा। तो उसके बाद अक्षर जो चित्रों के नाम और शब्दों को हम करेंगे, क्योंकि ये मात्रा बहुत कम यूज होती है, इसलिए बहुत कम शब्द होते हैं इस मात्रा के। तो ये मात्रा होती है अह की, इसका स्वर होता है क, अह की मात्रा की। तो छ में अह की मात्रा क्या बन जाएगा वो छ, नौ में न म ह, नमः नमः, ये प्र आखिरी मात्रा, त और ह प्रातः, क्या बोलेंगे इसको प्रातः, छ नमः और प्रातः, ये है आपके अक्षर। अब आते हैं चित्रों के नाम, इसमें जो मैथ्स में आप पढ़ते हो उसे उसमें हिंदी में बोलते हैं छ, ठीक है। और ये जो सुबह सवेरा होता है, सूरज उगता है, तब उस समय को हम क्या बोलते हैं प्रातः, प्रातः मीन्स गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग वाला टाइम, सुबह वाला टाइम सवेरा, इसको बोलते हैं प्रातः। और ये इसको कहा जाता है नमः, ठीक है, नमस्ते नमस्कार करके इसको बोला जाता है दूसरा शब्द नमः, छह प्रातः और नमः। अब आते हैं इनके शब्द अ क ख, क्या है वहां पे छोटी होती मात्रा को न क, पुनः, फिर प्र में आती मात्रा प्राय क, प्राय, मां में बड़े होती मात्रा मूल त, मूलतः, फलतः फलतः, शनेय शनेय। और ये छह शब्द है, फिर से पढ़ेंगे हम, अतः पुनः प्राय मूलतः फलतः शरय, ठीक है। तो इन अक्षर जो चित्रों के नाम और शब्दों को आप अपने कार्यपुस्तिका में अच्छे से पढ़िए और उसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।